इवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। यदि हम लास्ट के 5 साल में देखें तो 12.9% की सालाना वृद्धि हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 4 साल में चाइना टॉप पर होगा इस क्षेत्र में और अमेरिका दूसरे नंबर पर आ जाएगा। चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है जो इस फील्ड में आगे बढ़ रही है। 1951 द इमिटेशन गेम्स एलन टर्निंग ने टेस्ट प्रपोज किया था जो मशीन इंटेलिजेंस के इश्यू को रिजॉल्व करे। उन्होंने ऐसा प्रेडिक्ट किया था बाय द ईयर 2000 कंप्यूटर्स विल बी इमिटेट ह्यूमन थॉट्स। 1956 जॉन एम्सी कार्थी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टर्म दिया एक कॉन्फ्रेंस में जो डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी में हुई थी। 1963 में एक प्रोग्राम लिखा गया थॉमस इवेंस द्वारा जिसमें एक्सप्लेन किया गया कंप्यूटर्स कैन सॉल्व द सेम एनालॉजी प्रॉब्लम्स आर गिवन ऑन आईक्यू टेस्ट। 1963 में ही एडवर्ड ए फिलिंगम बेलम एंड जूलियन फेल्डमैन ने पब्लिश किए कंप्यूटर एंड थॉट्स द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1966 में पहली मशीन इंटेलिजेंस वर्कशॉप हुई एडिनबर्ग में जो कि डोनाल्ड माइकल एंड अदर पीपल ने ऑर्गेनाइज की थी। 1967 में केवी प्रोग्राम लिखा गया फॉर द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक रीजनिंग। 1967 में रिचर्ड ग्रीनब्लैट ने एक चेस प्लेइंग प्रोग्राम बनाया तो अचीव क्लास 6C रेटिंग इन द टूर्नामेंट प्ले। 1970 में जेन रॉबिन्सन एंड डॉन वॉल्कर ने एस्टेब्लिश किया इन्फ्लुएंशियल नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रेसिंग NLP ग्रुप एट SRI। 1997 में पहला ऑफिशियल रोबो कप सॉसर मैच इंक्लूडिंग 40 टीम्स ऑफ इंटरैक्टिंग रोबोट्स। 1990 में मेजर एडवांस एंड डेमोन्स्ट्रेशन हुई इन डिफरेंट एरियाज ऑफ AI एंड मशीन लर्निंग। 1990 में सोनी ने AIBO रोबोट्स इंट्रोड्यूस किए फॉर एंटरटेनमेंट। 2002 में पहला वैक्यूम क्लीनर रोम्बा का नाम से लॉन्च हुआ। 2005 में होंडा ने ASIMO ह्यूमनॉइड रोबोट इंट्रोड्यूस किया। 2011 में स्पीच रिकॉग्नाइजेशन वर्चुअल असिस्टेंट लाइक सीरी गूगल नाउ एंड कॉर्टेना इमर्ज्ड। 2016 में IBM रोज दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोने बना एक विद पोजीशन ऑफ न्यूयॉर्क लॉ फिल्म। 2017 में गूगल डीप माइंड अल्फागो वॉन 16-0 राउंड ऑन पब्लिक वेबसाइट जिसमें WHO तीसरी विजय रही अगेंस्ट वर्ल्ड गो चैंपियन के लिए। ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अभी मशीन लर्निंग पर प्रोसेस कर रही है एंड AI यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाटा पॉइंट्स AI तकनीक अलॉगरिथमिक मॉडल का प्रशिक्षण के लिए बहुत सारे डाटा पर आधारित होती है जिसे बाद में न्यू डाटा पर लागू किया जाता है। ये कैसे काम करते हैं आइए जानते हैं। ये समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में कैसे काम करते हैं, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न सब डोमेन में गहरी से गोता लगाने और ये समझने की जरूरत है कि सब डोमेन का उपयोग के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है। मशीन लर्निंग ML एक मशीन को सिखाना है कि पिछले अनुभव के आधार पर निरीक्षण और निर्णय कैसे लें, ये पैटर्न के पहचानना कराता है। मानव अनुभव के शामिल किया बिना संभावित निरीक्षण तक पहुंचाने के लिए इन डेटा बिंदुओं के अर्थ के अनुमान लगाने के लिए पिछले देता है, विशेषण कराता है, देता है कि मूल्यांकन करा के निरीक्षण पर पहुंचने के लिए ये स्वचलन व्यवसायों के लिए मानव समय बचाता है, इन्हें बेहतर निर्माण लेने में भी मदद करता है। डीप लर्निंग एक ML टेक्निक है। ये एक मशीन को परातों के माध्यम से इनपुट को संसाधित करने में अनुमान लगाने और परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए सिखाता है। न्यूरोनल नेटवर्क मानव न्यूरोनल कोशिशों के समान सिद्धांतों पर काम कराते हैं। ये अलॉगरिथम के एक श्रृंखला है जो विभिन्न अंतरित चरों के बीच संबंधों की पकड़ते हैं और एक डाटा को मानव मस्तिष्क के रूप में संसाधित करते हैं प्राकृतिक भाषा संस्करण से।
ये एक मशीन द्वारा किसी भाषा को पढ़ाने, समझाने, उसके व्याख्या करने और एक विज्ञान है। एक बार जब एक मशीन समझ जाती है कि उपयोगकर्ता क्या संवाद करना चाहता है, तो वह उसी के अनुसार ही कार्य करती है। कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम एक छवि को तोड़कर और वस्तुओं को विभिन्न भागों का अध्ययन करके एक छवि को समझाने की कोशिश करता है। ये मशीन को छवियों की एक सेट से वर्गीकृत कराने और सीखने में मदद करते हैं, ताकि पिछली टिप्पणियों के आधार पर बेहतर आउटपुट निर्णय लिया जा सके। संज्ञात्मक कंप्यूटिंग, संज्ञात्मक कंप्यूटिंग एक एल्गोरिथम बात भाषा चित्रों वस्तुओं की विश्लेषण करके मानव मस्तिष्क की नकल करने की कोशिश कराता है, जिस तरह से एक मानव करता है और वांछित आउटपुट देने की कोशिश करता है।